गैस बहरान के बाद आटे बहरान ने भी सर उठा लिया। लाहौर चक्की मालिकान 70 रुपए फी किलो आटा फरोख्त करने पर डट गए हैं। हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। इंतजामिया से मामला ताहाल तय ना पाने पर मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। मुल्क के कई शहरों में आटे का बहरान ताहाल बरकरार है और पंजाब के सबसे बड़े शहर लाहौर में चक्की एसोसिएशन की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी है। ताहम इंतजामिया और चक्की एसोसिएशन के दरमियान आटे की कीमत के हवाले से मामला ताहाल तय नहीं पा सके। चक्की मालिकान 70 रुपए फी किलो आटा फरोख्त करने पर डट गए। वजन अब बहुत कम हो गई। हम घर में 3 बंदे थे तो 4 रोटी हमारी बहुत होती। अब 4-3 बंदे और रोटी बहुत 5-6 रोटी लाते, इस पर हमारा गुजारा नहीं होते। 115 ग्राम वजन हो गए तो लाजमी बात है कि बच्चा भी 3 रोटी खाता है, तो इसलिए हमारे साथ बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत मुश्किलात हो रहे हैं। तर्जुमान चक्की एसोसिएशन का कहना है कि आटे की 45 रुपए फी किलो कीमत कबूल नहीं। जिस कीमत पर गंदम मिल रही है उसी हिसाब से आटा बेचेंगे। तहम आटा चक्कियाँ बंद होने के बाद शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। चक्की एसोसिएशन का कहना है कि इंतजामिया से बातचीत चल रही थी, गिरफ्तारियां और छापे मारकर खराबी पैदा की गई, लिहाजा अब मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे।